My name is Pathamesh Karguro and currently pursuing second year in hospitality studies. Today we are making alu chaat. तो चलिए शुरू करते हैं आज की रेसिपी बनाना। तो अभी आलू चाट बनाने के लिए सबसे पहले 4 से 5 आलू लेने हैं और इन आलूओं को हाफ बॉईल करके छोटे छोटे पीस में कट करके लेना है इस तरह। तो चलिए अभी हम ऑयल प्रीहीट करते हैं। ऑयल प्रीहीट होने के बाद इसमें आलू को फ्राई कर लीजिए। तो देखिए अभी हमारा तेल गर्म हो चुका है। अब हम इसमें आलू ऐड करते हैं। आलू को हमें तब तक फ्राई करना है जब तक वह गोल्डन ब्राउन और क्रिस्पी करारे ना हो जाए। तो जैसा कि आप देख सकते हैं आलू का कलर चेंज हो रहा है। तो अभी हम इसे और देर फ्राई करेंगे। अगर आलू क्रिस्पी करारे ना हो तो उन्हें खाने में मजा नहीं आता। तो चलिए हम इसे अब एक बाउल में निकाल लेते हैं। तो गर्मा गर्म आलू में अभी हम ऐड करेंगे नमक स्वादानुसार। अभी हम इसमें कटा हुआ प्याज ऐड करेंगे। अभी हम ऐड करेंगे 1 टीस्पून जीरा पाउडर। अभी हम इसमें चिली पाउडर ऐड करेंगे 1 चम्मच। अभी हम इसमें चाट मसाला डालेंगे। चाट खाने में तभी मजा आता है जब उसमें चाट मसाला ज्यादा हो। अभी हम इसमें पुदीना चटनी ऐड करेंगे। अभी हम डालेंगे खजूर और इमली की मीठी चटनी। अब हम इसमें थोड़ा दही ऐड करेंगे, इससे चाट में थोड़ा खटास आएगा। अभी हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। हमें इसका ध्यान रखना है, आलू में मसाले और चटनी अच्छे से मिक्स होनी चाहिए। अभी हमारा आलू चाट अच्छे से मिक्स हो चुका है, तो यह अभी सर्विंग के लिए रेडी है। अभी हम इसमें गार्निशिंग के लिए अनारदाना ऐड करेंगे। और इसमें थोड़ी सेव भी डालेंगे।
तो अब हमारा अलग चैट रेडी हो चुका है।